नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। आपने देखा होगा कि जब आप साइट में एक्सकेवेशन कराते हैं, जहाँ ड्राई कंडीशंस होती हैं, क्ले सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल होती है, तो आप आसानी से एक्सकेवेट करवा पाते हैं जितना मर्जी आपका एक्सकेवेशन डेप्थ हो। और 2 मीटर हो तो आप 2 मीटर आसानी से करवा लेते हैं, JCB लगा लेते हैं, मैनुअल कर लेते हैं। और 2.5 मीटर, 3 मीटर कुछ भी रहे, अगर ड्राई वर्किंग कंडीशंस हों और कोहेसिव सॉइल हो, आप आसानी से एक्सकेवेशन कर पाते हैं। लेकिन जब आपका क्विक सैंड कंडीशंस आपको मिलती हैं या सैंड बॉइलिंग कंडीशंस आपको मिलती हैं, तो आप पाते हैं कि आप एक्सकेवेशन को जल्दी से जल्दी नहीं करवा पा रहे। आप जितना मर्जी टीम उसमें लगा दे रहे हैं, वो एक्सकेवेशन नहीं हो पा रहा है। कई दिन, महीने भी लग जाते हैं इस बात के लिए। इन वर्किंग कंडीशंस में, इन जियोटेक्निकल कंडीशंस में, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपके अंडर में काम कर रहा है, वो पानी की तरह पैसा बहाता है। वो काफ़ी सारी टीम लगाता है, वो 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी भी लगा देता है, मगर वो कंटिन्यूस काम करते रह जाते हैं। और एंड ऑफ द डे आप पूरा दिन सुपरवाइज करके ये देखते हैं एज एन इंजीनियर कि आपने दिन भर में केवल पानी और मिट्टी का जो स्लश है उसी को निकाला, वही निकालते आप रह गए। और पूरे दिन में या कई दिनों तक आप यही काम करते रह गए, पानी नहीं आता रहा, पानी निकलता रहा, जो मिक्स स्लश आ रहा है वो निकलता रहा, अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। सो हेल्पलेसली आप भी इंजीनियर की तरह, इंजीनियर की कैपेसिटी में यही देखते रहते हैं कि काम डिले होता जा रहा है। आपका बॉस से आपको स्कोल्डिंग मिलती है, आप काम नहीं करवा पा रहे टाइम पर। तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी अपने आप को डिलेमा में पाते हैं। आगे कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनमें आप पाएंगे कि किस तरह की सॉइल इस सिचुएशन में आपको मिलती है, कैसा स्लश प्रिपेयर होता है, आदमी उसमें चलता रह जाता है, वो एक दलदल की तरह मिट्टी आपको दिखाई देती है, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे उसको एक्सकेवेट किया जाए। और आपने उसमें JCB लगा ली, आपने उसमें ह्यूज नंबर ऑफ मैनपावर लगा लिया, मगर अल्टीमेटली आप उसका एक्सकेवेशन नहीं करवा पाए। तो आइए देखते हैं इस तरह की कुछ एक वीडियो क्लिप्स।
दोस्तों आपने वीडियो क्लिप्स देखे तो आपने देखा वहाँ दलदल की तरह से मिट्टी हुई पड़ी है साइटों में, जेसीबी लगा वो काम नहीं कर पाया, एक्सकेवेट नहीं करवा पाया। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्विकसैंड कंडीशंस का फिनोमेना आपने अपने एकेडमिक्स में पढ़ा होगा, या आज भी आप इन फील्ड आप सॉइल बॉयलिंग या क्विकसैंड कंडीशंस के बारे में सुनते और डिस्कस करते होंगे। इसको ओवरकम कैसे किया जाए, या पहले समझते हैं कि ये होता क्यों है। क्विकसैंड कंडीशंस कोहेजनलेस सॉइल का फिनोमेना है। कोहेजनलेस सॉइल कौन सा, जैसे सैंड या ग्रेवल। कोहेजनलेस सॉइल जो होता है पानी की उपस्थिति के कारण, यानी जब वाटर टेबल आपका हाई हो, जैसे कुछ स्टेट्स हैं आपके बंगाल उड़ीसा ईस्टर्न जोन में, ऐसी जगहों पे जहाँ पानी की उपस्थिति हो, पानी का प्रेजेंस काफ़ी ऊपर तक हो, ग्राउंड लेवल तक हो या उसके आसपास हो, सो ऐसी सिचुएशन में पानी जो होता है सैंड की इफेक्टिव स्ट्रेस को यानी उसकी शेयर स्ट्रेंथ को कम कर देता है। क्यों, वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, वाटर मूव्स अपवर्ड। एंड ये जो वाटर लॉगिंग कंडीशंस या वाटर मूविंग कंडीशंस हैं ये सैंड की स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर देती हैं। तो जब सैंड की स्ट्रेंथ ज़ीरो हो गई तो वो सैंड ऊपर आना शुरू कर देती है, वो कंटिन्यूसली ऊपर आती रहती है। आप जितना मर्जी एक्सकेवेट कीजिए वो कंटिन्यूसली ऊपर आती रहेगी। तो दोस्तों ऐसी क्विकसैंड कंडीशंस वाली साइट्स में, ऐसी सैंड बॉयलिंग कंडीशंस वाली साइट में जो रिजोल्यूशन होगा वो एक कस्टमाइज सॉल्यूशन है, जो कि एज एन इंजीनियर आप भी सोच सकते हैं या किसी ने सोचा। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना होगा, एक तो आपको अपनी वाटर टेबल को नीचे ले जाना पड़ेगा। तो वाटर टेबल नीचे कैसे ले जाएंगे, डीवाटरिंग करके नीचे ले जाएंगे। दूसरा, आपको वहाँ पे कुछ हैवी लोडिंग करनी पड़ेगी इस तरह की मिट्टी में, ताकि वहाँ जा करके नीचे में सबग्रेड जो है या जो ग्राउंड है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए या उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाए। सो आपको डीवाटरिंग करना होगा, दो या तीन डीवाटरिंग पंप्स लगाने होंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्चार्ज आपका नीचे से आ रहा है, पानी किस रेट पे नीचे से बार बार आपके पिट में भर जा रहा है, उस हिसाब से आपको डीवाटरिंग पंप लगाने पड़ेंगे। डीवाटरिंग पंप क्या करेगा, आपका वाटर टेबल को नीचे लेकर के जाएगा। तो जब वाटर टेबल नीचे चला गया तो आपके लिए ड्राई वर्किंग कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। ऑल दो ये टेम्पोरेरी होगा, मगर वो ड्राई वर्किंग कंडीशंस आपको बोल्डर सोलिंग करने में कामयाबी दिला देगी। डीवॉटरिंग करने के लिए आप किसी भी तरह का पंप लगा सकते हैं, आप 3 HP, 5 HP, 10 HP कैसे भी पंप लगा सकते हैं, नंबर ऑफ पंप्स बढ़ा दे सकते हैं, या आप स्लच पंप भी लगा सकते हैं। स्लच पंप इनफैक्ट काफ़ी इफेक्टिव टूल है इस तरह की कंडीशंस को मीट करने के लिए, फाइट आउट करने के लिए। स्लच पंप में क्या होता है, वो सिर्फ पानी नहीं निकालता, पानी के साथ में जो मिट्टी मिक्स होकर आ रही है वो भी बाहर निकाल देता है। नॉर्मल के सिनेरियो में आप ऑर्डनरी डीवॉटरिंग पंप से अगर आप डीवॉटर करेंगे तो वो डीवॉटरिंग में आप देखेंगे कि आपका जो वॉल्व होता है, फिल्टर होता है, वो बार बार चोक हो जाता है, जिसके कारण से आपकी जो लेबर टीम है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करती रहती है। तो इस स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए आप स्लच पंप का यूज़ कर सकते हैं और डीवॉटरिंग कर सकते हैं। मगर ये जो डीवॉटरिंग है, ये डीवॉटरिंग जो है आप कंटिन्यूसली डे एंड नाइट तो कर नहीं सकते। सो एंड ऑफ द डे आपको देखना ये होगा कि डीवॉटरिंग करके आपको फटाफट उतनी लेबर लगानी है कि आपका एक्सकेवेशन गिवन डेप्थ तक तो कम से कम आ जाए जहां आपको फाउंडेशन प्लेस करना है, प्लस उससे कम से कम 300 mm नीचे जाए, जो कि आप कम से कम 300 mm का बोल्डर सोलिंग कर पाएं, थिकनेस 300 mm का बोल्डर सोलिंग कर पाएं। नॉर्मली ऐसा किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अच्छा, बोल्डर कितने साइज का, बोल्डर होगा आपका 300 mm से लेकर के नीचे में 115 mm तक का, या आप 75 mm तक का भी बोल्डर यूज कर सकते हैं। तो जब बोल्डर आपको सोलिंग करनी है, सो जैसा मैंने बोला, आपने एडिशनल एक्सकेवेशन करके एडिशनल 300 mm या 200 mm जितना आपको सूट करे आपकी साइट पे, सो प्रेफरेबली 300 mm। तो जितना आपने एक्सकेवेट किया, सपोज 300 mm एक्सकेवेट किया, सो 300 mm बोल्डर सोलिंग करके पूरे एरिया में आप देखेंगे पाएंगे कि सैंड बॉयलिंग का फिनोमेना अभी स्टॉप हो गया, यानी सैंड बॉयलिंग उसके बाद नहीं होगा, यानी उस वजन से नीचे की जो सॉइल है वो बेसिकली स्ट्रांग हो गई। जब आप डीवॉटरिंग करते हैं तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं जिससे वो सिर्फ अपना डीवॉटरिंग का वक्त ज़ाया करते हैं, डीजल ज़ाया करते हैं, यानी वेस्ट करते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं। तो डीवॉटरिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। आपको सक्शन पाइप को या सक्शन स्ट्रेनर को, जो कि सक्शन पाइप से जुड़ा है अलॉन्ग विद फुटवॉल, उसको सम्प्स में डालना होता है। नॉर्मली सपोज कीजिए आपका जो प्लॉट का जो हिस्सा है उसमें डीवॉटरिंग आपको करनी है, तो आपको
एक तरफ में एक साइड में कम से कम दो सम्स बना लेने चाहिए। वो दो सम्स जो है आपका डिवॉटरिंग पंप का सक्शन पाइप को होल्ड करेंगे, विच मीन्स कि सपोज आपका अभी का लेवल अगर आपने एक मीटर तक काट लिया है और आपका पानी आ गया उस साइड में नीचे से वाटर लेवल हाई होने के कारण, तो आपको अपने प्लॉट के एक तरफ में यानी एक साइड में दो सम्प बना लेने होंगे। वो सम्प कैसे बनाएंगे, जिस लेवल पर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दो सम्प बना लेने होंगे एक तरफ में, एक साइड में आपके पूरे प्लॉट का एक साइड में दो कोने में दो सम्प्स बनाइए। वो सम्प्स आपके जो एक्सकेवेटेड लेवल है वहाँ से कम 2 फीट नीचे तक होने चाहिए। वो सम्प ऐसी मिट्टी में आप कैसे बनाएंगे जो पहले से ही स्लशी मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी में बनाने के लिए आपको वहाँ पे दो केसिंग डाल देनी पड़ेगी। दैट में बी स्टील केसिंग, दैट में बी आरसीसी यूम पाइप, कुछ भी एक केसिंग बना करके उसके बाद आपको जो डीवॉटरिंग पंप का जो सक्शन पाइप का जो फ्लोट वॉल्व है अलॉन्ग विद स्ट्रेनर, सक्शन स्ट्रेनर, तो वो आपको उन दो केसिंग्स में डालना होगा। उसके बाद आपको वहाँ से डीवॉटरिंग चालू करनी होगी। अगर आपने डीवॉटरिंग पंप का सक्शन पाइप को पूरे तालाब बने हुए साइट के बीच में डाला तो आपको केवल सक्शन का जो पाइप है फ्लोट वॉल्व है वो क्लॉगी होगा, वो बार बार चोक होगा, आपका लेबर उसको साफ करते करते पूरा दिन बिता देगा। सो इसलिए होज बनाना, सम्स बनाना, सो दैट आपका सक्शन प्रॉपर हो पाए बिना चोकिंग हुए, बिना क्लॉगिंग हुए, और आपका डीवॉटरिंग प्रॉपरली हो पाए। इस तरह से आपको डीवॉटरिंग करनी है। सम्स बनाते समय और एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप सम्स पानी इकट्ठा कर पाए उसके लिए आपका जो प्लॉट जो आप एक्सकेवेट कर रहे हैं उसका ढलान सम्प की तरफ रहे, यानी उसकी स्लोप सम्प की तरफ रहे, और प्लॉट में 2-3 जगह पर आप नालियां बना लें, ड्रेन्स बना लें, ताकि उन नालियों और ड्रेन्स के जरिए पानी जो है दोनों सम्स की तरफ आता रहे। इस प्रकार पानी अपने आप ड्रेन होता रहेगा, अपने आप यानी वो होज के पास सम्प के पास पहुंचता रहेगा और सम्प उसको पंप को सप्लाई करता रहेगा। इस प्रकार आपका पानी डीवॉटर हो जाएगा और आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में आने लगेगी। तो आगे क्लिप देखिए जिसमें आपको दिखाई देगा कि डिवॉटरिंग जो है वो बीचों बीच डिवॉटरिंग पंप का फ्लोट वॉल को डाल के किस तरह या सक्शन पाइप को डाल करके किस तरह गलत ढंग से हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो क्लिप में आप देखिए किस तरह से एग्रीगेट डंपिंग या बोल्डर सोलिंग गलत ढंग से कहीं पर भी पानी में डूबे हुए प्लॉट में की जा रही है। ये एक गलत तरीका है, कृपया इसको ना अपनाएं। जैसे बताया गया पहले उसी तरह टुकड़ों में कीजिए, पैनल्स में कीजिए, छोटे छोटे बेज में कीजिए, छोटा बे बनाइए, छोटा बे काटिए, डिजायर्ड डेप्थ तक काटिए, बोल्डर सोलिंग कीजिए, जब वो ड्राई बेड दिखाई दे उसके बाद अगला बे में जाइए। सो इस तरह से आपका बोल्डर सोलिंग सक्सेसफुल होगा।
बेसिकली हमने उस सॉइल का जो आपके प्लॉट की है उसका कंसोलिडेशन सेटलमेंट करवा दिया बिकॉज ऑफ द और बाय द वर्च्यू ऑफ द वेट ऑफ द एग्रीगेट्स दैट वी हैव फिल्ड इन, वेट ऑफ द बोल्डर्स दैट वी हैव फिल्ड इन, जो बोल्डर हमने भरे उसके वेट के कारण से कंसोलिडेशन सेटलमेंट हो गया। और जो डिफरेंट साइंटिफिकली हमने सोचा था कि इसकी हम शियर स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बढ़ गया उस उधर में, क्योंकि ड्राई वर्किंग कंडीशंस हमने क्रिएट कर दी थी। नाउ जब क्विक सैंड कंडीशन स्टॉप हो गई, आपने बोल्डर सोलिंग कर ली, आपको एक हार्ड बेड मिल गया, इस पर बिना देरी किए आप उसी दिन पीसीसी भी कर डाले। अगले दिन सुबह आकर के आप उस हार्ड बेड को चेक करें, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ए वेरी हार्ड बेड टू यू द पीसीसी बेड, एंड आप उस पर रिइंफोर्समेंट लेइंग शुरू करें, बाइंडिंग शुरू करें, शटरिंग करें और अपना राफ्ट का कॉन्क्रीटिंग करवा लें। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लेबर फोर्स है, इन वीडियो क्लिप्स में जो आपने देखा कि जो लेबर फोर्स है वो पूरे एरिया में एक साथ बोल्डर सोलिंग नहीं कर रहे, उन्होंने एक छोटा बे बनाया हुआ है। सपोज कीजिए 15 मीटर बाय 15 मीटर का एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें उन्होंने 3 मीटर या 4 मीटर का एक बे लिया, 4 मीटर्स बाय 15 मीटर्स का एक बे लिया, उसमें एक्सकेवेट कर दिया जितना हो सकता था, जितना जा सकते थे, 200, 250 या 300, उस पर बोल्डर सोलिंग किया। अब वो एरिया जब एक बार बोल्डर सोल हो गया तो आपका वो बेड जो है स्ट्रांग हो गया। अब इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में आप वो पैनल से आगे बढ़ेंगे, एक और पैनल बनाएंगे 4 मीटर का, उसमें भी इसी प्रकार एडिशनल एक्सकेवेट करके आप बोल्डर सोलिंग फिनिश करेंगे। और इस प्रकार पूरा का पूरा टुकड़ा सपोज कीजिए आपका 15 मीटर बाय 15 मीटर का है तो पूरे में आप बोल्डर सोलिंग अकॉम्प्लिश करेंगे। तो प्रोग्रेसिवली सक्सेसफुली इस तरह से आप बोल्डर सोलिंग कर पाएंगे और आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं पीसीसी, शटरिंग, रिइंफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीटिंग सभी कुछ कर पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ये देखेंगे या ये पाएंगे कि आपका जो लेबर टीम है, लेबर फोर्स है, वो हैपहजार्डली पूरे एरिया में कहीं पर भी बोल्डर फेंक दे रहा है, कहीं पर भी पेबल्स फेंक दे रहा है और वो पानी में चला जा रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका लेबर टीम कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि ये बोल्डर सोलिंग से फ़ायदा हो नहीं रहा है। सो प्रेफरेबली बेस बना करके बोल्डर सोलिंग कीजिए, एक्सकेवेट एक्स्ट्रा करके संग संग बोल्डर फोलिंग कीजिए, बोल्डर सोलिंग कीजिए और पैनल्स बना बना करके पूरे बोल्डर सोलिंग को कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से क्विक सैंड कंडीशन से आप फाइट आउट करके अपनी एक्सकेवेशन कंप्लीट करा पाए, और आपने एक्सकेवेशन कंप्लीट करके बोल्डर सोलिंग किया, पीसीसी किया, राफ्ट किया, पूरी एक्टिविटीज कंप्लीट किया एंड आप सक्सेसफुल हो गए। उम्मीद है ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा, आगे आप इस तरह अपनी सभी साइट्स को अकॉम्प्लिश करते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे। थैंक यू।